जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एंजॉय एनीथिंग पे। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कोरोना वायरस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आज के डेट में कोरोना वायरस ग्लोबल महामारी के रूप में जाना जा रहा है। ठीक है, ये सभी देशों में लगभग फैल चुका है और महामारी का विशाल रूप धारण कर रहा है। ठीक है, तो इसी के बारे में आज हम लोग प्रश्न का चर्चा करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं अपना प्रश्न। इस प्रकार हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितने दिनों के लिए कर्फ्यू लगाए हैं? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 21 दिनों के लिए कर्फ्यू लगाया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 21 दिनों के लिए। 21 दिनों के लिए सभी राज्यों में लॉकडाउन का प्रावधान लागू हो गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा है, हाल ही में रिलायंस ने कहाँ COVID-19 हॉस्पिटल खोला? तो COVID-19 हॉस्पिटल मुंबई में खोला गया, जिसमें कोरोना वायरस से पीड़ित मरीजों का इलाज किया जा रहा है। ठीक है, ये किसके द्वारा खोला गया? रिलायंस के द्वारा खोला गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरा है, कोरोना वायरस किस प्रकार का वायरस है? तो कोरोना वायरस RNA वायरस है। तो इसका आंसर रहेगा बी, RNA। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर है, WHO द्वारा कोरोना वायरस को क्या नाम दिया गया? तो WHO द्वारा कोरोना को COVID-19 नाम दिया गया। इसका आंसर हो जाएगा डी, COVID-19। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फाइव है, कितने डिग्री तापमान पर कोरोना वायरस का प्रभाव खत्म हो जाता है? तो 30 से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान पे कोरोना वायरस का प्रभाव खत्म होने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, कोरोना वायरस का सीधा प्रभाव मानव शरीर के किस अंग पर होता है? तो कोरोना वायरस का प्रभाव मानव शरीर के सीधे श्वसन तंत्र पे होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, श्वसन तंत्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेवन, नोबेल कोरोना वायरस के पहले मामले की पहचान कहाँ हुई थी? तो नोबेल कोरोना वायरस के पहले मामले की पहचान वुहान में हुई थी, जो कि चीन में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, वुहान शहर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर एट है, नोबेल कोरोना वायरस के कुछ हल्के लक्षण हो सकते हैं। जब आपको कोरोना वायरस से पॉजिटिव पाया जाता है तो आप में बुखार, खांसी, सांस लेने की तकलीफ आदि देखे जा सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नाइन है, कोरोना वायरस से बचने के लिए कौन सी सावधानी बरतने की ज़रूरत है? तो छींक आने पर अपने नाक और मुँह को कपड़ों से ढकें। ठीक है, इससे हम सावधानी बरत सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर दस से, कोरोना वायरस नाम कहाँ से पड़ा? तो कोरोना वायरस नाम क्राउन लाइक प्रोजेक्शन अनुमान के कारण कोरोना पड़ा। ठीक है, देख लेते हैं कि कैसे पड़ा। क्राउन लाइक प्रोजेक्शन जैसे अनुमानों के कारण कोरोना वायरस को नाम दिया गया। इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप से देखने पर जानने में आया कि कोरोना वायरस क्राउन जैसा दिखता है। ठीक है, और लैटिन में कोरोना का अर्थ होता है हेलो या क्राउन। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, मैं ऐसे ही क्वेश्चन अपलोड करता रहता हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।